नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। कल आपका आईयूक्यू का पेपर था, थोड़ा सा टफ था पेपर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आईएचपी का पेपर होने के बाद डिस्कशन करेंगे। अभी मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, वो कम से कम 7900 के नज़दीक नज़दीक गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये आईएचपी का पेपर होने के बाद ये सब्सक्राइबर कम से कम मेरे 8000 कम्प्लीट होने चाहिए, ऐसे मेरी ये है। तो आप प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि उनको मेरे वीडियोज़ का फ़ायदा हो और मेरे सब्सक्राइबर का काउंट भी बढ़े। तो वीडियो की तरफ बढ़ते, आप जैसे देख रहे हो कि ये जो पेपर है ये री एग्ज़ाम का पेपर है, और ये पेपर कब का है मालूम नहीं, मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। तो डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहली चीज़ है, इसमें टोटल 7 सर्किट आए थे और उसमें 5 सर्किट आए थे, ठीक है। सर्किट के मैक्सिमम वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, वो देखिए। उसके साथ साथ मैंने मराठी के भी कुछ वीडियोज़ बनाए, वो भी देख सकते हैं आप। अभी देखिए, अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे शेपर मशीन का सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिंग मशीन का सर्किट है, मतलब टोटल 3 मशीन के सर्किट है, 3 या 4, उसमें से एक मशीन का सर्किट आपको आना ही आना है। देखो यहाँ पे शेपर मशीन है, यहाँ पे मिलिंग मशीन है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्वेंसिंग सर्किट है, यहाँ पे भी सिक्वेंसिंग सर्किट है। सिक्वेंसिंग सर्किट पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ड्वेल पंप अनलोडिंग्स का सर्किट है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपल वाला स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का सर्किट है। टेलीस्कोपिक सिलेंडर का क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आता है कि एक छोटी जगह है, वहाँ पे आपको एक सिलेंडर बिठाना है, कैसे बिठाओगे, क्या नहीं, वो सब चीज़ें, ठीक। और मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। अभी इसमें कैसा है मालूम है क्या, यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वॉल्व पूछा है तो यहाँ पर चेक वॉल्व पूछा है, यहाँ पर डबल एक्टिंग सिलेंडर पूछा है तो यहाँ पर टेंडम सिलेंडर पूछा है। और फर्स्ट टॉपिक के ऊपर ना 6 क्वेश्चंस बनते हैं। 6 क्वेश्चंस कौन कौन से, कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक, ठीक है, फर्स्ट 2 हो गया। फिर उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, ऐसे क्वेश्चंस है कुछ, वो रिपीटेडली आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या, आपको जितने वीडियोज़ है उतने वीडियोज़ देखिए, मेरे टाइम डिले वॉल का वीडियो है, जितने डिफरेंस है वो डिफरेंस भी देख लीजिए। डिफरेंस भी मैक्सिमम 5 से 6 डिफरेंस रहेंगे, उससे ज़्यादा डिफरेंस आने वाले हैं नहीं, तो वो याद कर लीजिए। सर्किट अच्छे से ड्रॉ करके देखिए आपको आते ही, और उसके कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन घुमा के आता है तो आपको उसके बीच में ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसा ही ये टोटल ये था, एक बार लगे सो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।